गई तो वो बात पूरी कर रहे। तो गोपियां गए उद्धव जी से कि बोले इनका स्वभाव जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ है, बेचारे पूतना के साथ उन्होंने अत्याचार किया, उसके सुप्रभा के साथ, बामन के साथ सरासर बेईमानी करी, बलि के साथ, बामन रूप में बलि के साथ सरासर बेईमानी की गई। अरे उसने संकल्प किया था बटुक बामन को देखकर, बामन के लिए जो छोटे से बामन अंगुल के बनकर के गए थे उस स्वरूप के लिए उन्होंने संकल्प किया था। और जब संकल्प करा लिया और बात पक्की हो गई और फिर विराट रूप धारण कर लिया, ये बताओ कोई बात है? बोले ये महाराज सरासर अत्याचार है, अपने पद का अनुचित उपयोग है। हाँ बोले ठीक नहीं। और महाराज उसका बामन भगवान का स्मरण किया और उस राम जी के उसका और बाली के पद का प्रसंग उसको स्मरण किया। बोले बेचारा बाली, उसने इनका क्या बिगाड़ा था, भैया भैया का झगड़ा था और वो दोनों आपस में सुलट लेते, इन्होंने महाराज छुप करके उसको ब्याज की तरह बाली को मार दिया। अगर इतनी शक्ति थी तो उसके साथ आमने सामने होकर के दो दो हाथ करते, ब्याज की तरह क्यों बामन को उसको मार दिया बाली को। तो गोपियां कह रही है कि इनका ठीक नहीं। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी हो, इतना ही आपको उनका स्वभाव खराब लगता है और उनसे इतनी चिढ़ है और इतना ही आप उनसे द्वेष करती हो, तो रात दिन उनका नाम क्यों लेती हो, रात दिन उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो गोपियों ने कहा बस यही निगोड़ी कथा ऐसी है जिसका हम त्याग नहीं कर सकती। वहां एक बात क्या आया है, गोपियों ने कहा उद्धव हमारे मन को उस चितचोर ने, मनमोहन ने चुरा लिया है, हमारा मन उसके गुणों में, उनके गुणों में, लीलाओं में ऐसा लग गया है कि हम उनकी कथा के बिना जीवित नहीं रह सकती, हम उनके नाम के बिना जीवित नहीं रह सकती। ये जो गोपियों के जो उलाने हैं ना, ये प्रेम भरे उलाने हैं, ये कोई भगवान की निंदा नहीं है, ये ईश निंदा नहीं है, भगवान की निंदा नहीं, ये तो प्रेम भरे उलाने हैं। हाँ अब ये तो प्रेमी जाने महाराज, प्रेम की बात तो कोई प्रेमी जाने तो गोपियों के हृदय के भाव को सुन सुनकर महाराज श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी निरंतर गदगद रहते, आनंदित रहते हैं। गोपियों के समान तो गोपियों को ही मानते हैं। प्रभु जी भजन सुना दो ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ पल पल मैं पढ़ते। प्रभु जी आप सुनाओ, मुझे नहीं आता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर पे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की तेरे सस्ती नहीं है, आस की सस्ती नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, जिनको प्रेम हो गया उनको पूजे की सुख नहीं रहती, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में लो
ऊनो यहाँ हरदम होती है पूजा, यहाँ हरदम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊनो की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो प्रेम ऊपर नीचे होता है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वाह वाह, वो नजर फिर तरसती नहीं है, सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, वाह 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 प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हरी लाल की है। संतों के इस प्रसंग में संतों के भाव भी ऐसे हैं। श्री मलुदास जी का एक दोहा है, मलुदास जी महाराज कहते हैं, बोले जो प्रेम के पंथ पे चलना चाहते हैं ना, तो प्रेम के पंथ पे चलने वाले उनमें इतनी हिम्मत हो कि वे अपने हाथ से अपना सर काट सकें, तो प्रेम पंथ में चले, बोले नहीं तो महाराज गुजारा नहीं होगा। पर ऐसा ही भाव मीरा जी का भी है, मीरा जी का भी ऐसा ही भाव है, और यही बात है कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सौदे, ये महाराज प्रेम की जो प्रेम का जो पंथ है इतना सहल सहल सरल नहीं है हमारा यहाँ। तो हम वो गोपियों की बात स्मरण कर रहे थे, गोपियां कह रही है कि हे प्यारे उद्धव, उन प्यारे श्याम सुंदर की जो कथा है वही तो हमारा जीवन है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकती, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे हम उनकी चर्चा के बिना नहीं रह सकती। तो इसको कहते हैं प्रेम, रुचि श्रद्धा और प्रेम, उनमें हमने जो जैसी बुद्धि हमारी थी हमें समझ में आया, उसको हमने निवेदन किया। कथा में रुचि होना अलग बात है, कथा में श्रद्धा होना अलग बात है, और कथा में प्रेम होना अलग बात है। तो कथा में प्रेम हो जाता है तो महाराज फिर जब प्रेम पूर्वक कथा सुनी जाती है तो श्री कृष्ण हृदय में आते हैं, हृदय में आते हैं, मलिन वासनाएं हृदय की नष्ट हो जाती हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो मलिन वासनाएं नष्ट होती हैं, फिर भगवान अंतःकरण में आते हैं, भगवान के आने से सारी आसक्ति दूर हो जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाता है महाराज,
और उसको अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। साक्षात्कार जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो ये बात कहां से शुरू हुई? बोले सबसे पहले अपने धर्म का पालन करिए और भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म आनंद आत्मानंद जो होता है उसकी प्राप्ति होती है। जो सोनक आदि ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि जीव के सहज सरल सरलता पूर्वक कल्याण होने का क्या उपाय है, तो वो उपाय है भगवान की भक्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान की कथा के विषय में भगवान श्री कृष्ण के जो मंगल में अवतार है वो किस उद्देश्य से होते हैं और अवतार लेकर के वे जो लीलाएं करते हैं उनका श्रवण करना चाहते हैं सोनक आदि ऋषि, और जो भक्ति है वो भी भगवान की कथा से ही सुनने से कहने से पुष्ट होती है, इसलिए हमें अब कथा सुननी चाहिए। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाएंगे और कथा तो महाराज हम लोग सुन ही रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा हो ही रही है। अब महाराज आगे की चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज तो महाराज जब हम आए थे जुड़े थे तभी एक सेशन तो तभी पूरा हो गया था और एक सेशन अब पूरा हो गया तो हमने आपकी 10-15 मिनट और ज्यादा ले ली, तो हमने